मैं हूं नफीसा खान और आप सुन रहे हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा चुप रहना ही आमतौर पर पसंद करते हैं। उन्हें बेहद करीब से जानने वाले भी ठीक से उन्हें जानते नहीं हैं, क्योंकि वो कम बोलते हैं। लेकिन अब उनकी ऑटोबायोग्राफी गन्स एंड थाइस द स्टोरी ऑफ माई लाइफ आई है। किताब में रामगोपाल वर्मा ने 3 सेलिब्रिटीज के बारे में खास तौर पर जिक्र किया है। इनमें एक है सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, दूसरी हैं श्रीदेवी और तीसरे हैं टॉरी ब्लैक। रामगोपाल वर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो मदर टेरेसा से ज्यादा पोर्न स्टार टॉरी ब्लैक से इंस्पायर्ड रहे हैं। इसके अलावा वो अपनी सफल फिल्मों के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी हाथ मानते हैं। रामू ने किताब में लिखा है कि उन्हें अमिताभ बच्चन के गन पकड़ने का अंदाज बहुत लुभाता है। उन्होंने श्रीदेवी को लेकर दीवानगी का जिक्र भी काफी विस्तार से किया है। रामू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में श्रीदेवी को सुंदरता की देवी बताया है। वो लिखते हैं कि श्रीदेवी को बोनी कपूर के लिए चाय बनाते देख कर बहुत दुख होता है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक अप्सरा को स्वर्ग से उतार कर सीधा अपने अपार्टमेंट की रसोई में ले आए। रामू ने टॉरी ब्लैक के बारे में लिखा, मैंने टोरी का एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने पोर्न इंडस्ट्री में जाने के अपने फैसले के बारे में बात की थी। मैंने इससे ज्यादा साफ कोई नहीं देखी। पोर्न इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को दुनिया हिकारत भरी नजरों से देखती है। ऐसे में खुद को इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ बताने के लिए काफी हिम्मत चाहिए। मुझे ये मानने में कोई दिक्कत नहीं कि मैं पोर्न फिल्में देखता हूँ। वर्मा ने किताब में ये भी लिखा कि मैं मदर टेरेसा को नहीं जानता, क्योंकि मैंने चैरिटी या वेलफेयर के लिए काम नहीं किया, इसलिए मैं उनसे ज्यादा पोर्न स्टार टॉरी ब्लैक से इंस्पायर्ड रहा। सत्या का दाऊद कनेक्शन गन्स एंड थाइज में रामू ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि दाऊद नहीं होता तो वो सत्या और कंपनी जैसी फिल्में नहीं बना पाते। उन्होंने ये भी लिखा कि वो अपनी लाइफ में दाऊद का बहुत बड़ा योगदान नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रामू ने ये भी बताया कि शुरुआत में वो दाऊद के इस कॉन्स्ट्रीब्यूशन को ऑटोबायोग्राफी में शामिल करने वाले थे, लेकिन कई लोगों के कहने पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। खैर, ये तो बातें थी रामगोपाल वर्मा की ऑटोबायोग्राफी के बारे में। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।